subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता माथुर और शॉपुटे तुम से नव पाइगा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपके पास, जहाँ देखने को मिल रहा है कि अलीशा बनकर आई है गुड्डन की जिंदगी की नई बर्बादी। तो वही इसी अलीशा से मिला लिया है रेश्ती ने भी हाथ, क्योंकि रेश्ती भी चाहती है कि वो गुड्डन की जिंदगी को बर्बाद कर सके ताकि उसे जंगल भवन से भी आउट कर भाग सके। लेकिन रेश्ती का ये प्लान तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्षर गुड्डन जब तक साथ में है तब तक कोई भी इनका बाल विवाह नहीं कर सकता। जब अक्षर और गुड्डन मिलकर बनाएंगे वो खास प्लान ताकि अलीशा को सही ट्रैक पर ला सके। लेकिन अक्षर गुड्डन क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी अपनी इसी रिपोर्ट में देंगे। दरअसल जहाँ देखने को मिल रहा है कि अक्षत अपनी गुड्डन के लिए कुछ ऐसा करेगा ताकि अलीशा के लिए नई मुसीबतें तो आएंगी, साथ ही इस बार गुड्डन के लिए हर पल मुश्किल होता देखेगा। क्योंकि अक्षत जहाँ पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कोई बेटी भी है, लेकिन हर रिपोर्ट से पर्दा उठ गया है कि अलीशा ही अक्षत की बेटी है। जहाँ गुड्डन अक्षत को यही समझाती दिखेगी कि अब मैं और आप मिलकर हर मुश्किल से सामना कर ही लेंगे। फिर गुड्डन देगी अलीशा को माँ का दर्जा। इसी साथ अब कहीं ना कहीं शो की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार अक्षत गुड्डन दोनों ही हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह अलीशा को सुधार सके और उसके नफरत की आग को कम कर सके और उसे प्यार में बदल सके। लेकिन इसी के चलते अब कहीं ना कहीं फिर से कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब देखना तो बनेगा क्या इस बार अक्षत गुड्डन साथ में हर मुसीबत का सामना कर पाएंगे, क्या होगा आगे और क्या अलीशा सुधर पाएगी अक्षत और गुड्डन के प्यार के चलते। क्या अलीशा को मिलेगा सबक अक्षत और गुड्डन से, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल 24 एक्शन ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।